गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ किंजल और मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। गाइज़ आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे चौकर सेट, जो चौकर नेकलेस बोलते हैं, वो शेयर करने वाली हूँ। अभी बहुत ही ट्रेंड चल रहा है, आपको पता ही है गाइज़, और पहनने के बाद इतना अच्छा लगता है नेक में। और स्पेशली गाइज जिनके जो लंबे नेक होते हैं, बड़े नेक होते हैं, उनको चौकर बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी वीडियो में, और मैंने बहुत सारे बाय किए हैं और उसकी जो सारी बाइंग लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप बाय करने में इंटरेस्टेड है तो जाके बाय कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं रोज़ के रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ, नया इस तरह का कुछ ना कुछ लाती रहती हूँ आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और मैं बहुत ही सारा मैं जब भी मतलब हॉल्स करती हूँ तो आप लोगों को ध्यान में रखते ही करती हूँ, और अफोर्डेबल जो चीज़ें होती है वही मैं बाय करती हूँ, और जनरली अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा, जेबोंग से बाय करती हूँ, ताकि आप लोग इजीली इसको बाय कर सकें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो मेरे लिए बहुत ही मतलब कि थैंकफुल होगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। और अब हम हमारे वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चौकर अभी बहुत ही ट्रेंड में है, आपको पता है, स्पेशली ये वेडिंग के लिए या क्या बोलते हैं फेस्टिवल के लिए बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। मतलब कि आपने देखा होगा कि पद्मावत मूवी में दीपिका पादुकोण ने पहना था, उसका भी आया है इंस्पायर करके, वो भी मैंने बाय किया है। मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ, मैंने सारे अमेजोन से बाय किए हैं। और गाइस आपको पता है चौकर की जी जो प्राइस थी, मतलब ओनली 150 से शुरू होते हैं, ओनली 150 से अमेज़ॉन पे। और ये जो सारे हैं उसकी क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है, मुझे बहुत ही पसंद आए हैं। सबसे पहला जो है मैं दिखाती हूँ आपको, इस तरह का है, आप देखो रेड कलर का है, और ये जो पद्मावत स्टाइल बोलते हैं वो स्टाइल में है, और ये मुझे बहुत ही पसंद आया है। देखो आप क्लोजअप में, मैं वीडियो के एंड में गए सबको ट्राई ऑन करके भी दिखाऊंगी, वन बाय वन पहन के भी दिखाऊंगी इयर रिंग्स के साथ, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। तो सबसे पहले मैं ये सारे आपको डिटेल में दिखा देती हूँ। इस तरह का है, ये मरून कलर का है, मैं क्लोजअप में दिखाती हूँ। इसके अंदर ऐसा वर्क किया गया है, स्टोन का जो बोलते हैं वो वर्क किया गया है। नीचे ऐसे देखेंगे आप तो, नीचे देखेंगे आप तो ऐसे बीट्स दिए गए हैं, यहाँ पे भी बीट्स है। ये बीच वाला जो है वो रेड कलर का है, और दोनों जो है वाइट कलर के हैं, बहुत ही प्यारा लगता है पहनने के बाद, बहुत ही प्यारा लगता है। जिनका बड़ा नेक है या लंबा नेक है उनको तो बहुत ही प्यारा लगता है, और जिनके छोटे नेक हैं उनको चौकर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनका नेक उससे ज़्यादा छोटा लगता है पहनने के बाद, तो वो लोग कम पहने, या जो पतले वाले आते हैं वो ज़्यादा पहने, ब्रॉड वाले ना पहने। और इसके पीछे ऐसी गोल्डन डोरी दी गई है, और यहाँ पे ऐसा लटकन दिया गया है, ये इस तरह का है रेड कलर का, और सारे अफोर्डेबल है गाइस। इसकी जो इयर रिंग्स है वो इस तरह की है, इससे मैच करती है, और बहुत ही हैवी है जो ये मिडल वाला है उससे मैच करती है, इस तरह की इसकी इयर रिंग्स है। देखो आप पहनने के बाद बहुत ही बढ़िया लगता है, मैं पहन के दिखाऊंगी आपको। और आप ओनली चौकर भी पहन सकते हो, और ओनली इयर रिंग्स भी आप कुर्तीज वगैरह पे भी कैरी कर सकते हो इस तरह की, और बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही अच्छी है, रेड एंड वाइट एंड गोल्डन के कॉम्बिनेशन में है, मुझे ये बहुत ही पसंद आया है। और इसके सारे के प्राइस है मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, मुझे याद नहीं है गाइस, तो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, तो आप डेफिनेटली चेक कीजिए। इसके बाद जो है वो इतना प्यारा है, मतलब एक से एक बढ़िया है। मैंने जो भी लिए, मैंने बहुत सारे लिए, मैं वन बाय वन दिखा रही हूँ, लेकिन मुझे कौन सा मतलब किसको ज़्यादा नंबर दूँ किसको कम दूँ कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा है। ये इस तरह का है, पूरा पल वाला है, और बीच में देखो ये बड़ा सा पैंडल दिया गया है डायमंड वाला, और बीच में ग्रीन कलर का स्टोन दिया गया है, और पूरा पल्स वाला है। इसका जो पैंडल है वो ही हैवी लुक देता है, बहुत ज़्यादा हैवी लुक देता है पहनने के बाद, इतना स्टाइलिश लगता है और रॉयल लगता है। अगर आप पल्स वाली या वाइट कलर बीड्स वाली चीज़ें पहनते हो तो बहुत ही रॉयल लुक देता है, मुझे ये बहुत पसंद आया है। और गाइस इसमें क्या है कि इसकी जो इयर रिंग्स है वो भी बहुत ही अच्छी है, आप देखो इस तरह की है, जैसा इसका पैंडल है वैसी इसकी इयर रिंग्स है। ये अकेले आप पहनोगे साड़ी के साथ वगैरह में भी तो भी बहुत ही अच्छी लगेगी, ये बहुत ही प्यारी है, बीड्स वाली है, मुझे बीड्स वाले ज़्यादा पसंद है। और ये जो है वो वाइट कलर में है, तो हर किसी के साथ आप इसको कैरी कर सकते हो, मतलब हर किसी के साथ मैच हो जाएगा इस तरह का है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया है।
इसके पीछे ही ऐसी गोल्डन कलर की थ्रेड दी गई है और ऐसे रेड कलर की, पहनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। और वन मोर थिंग गाइस कि ये जो सारे हैं इनको कैसे कैरी करना है, कैसे लंबे समय तक ऐसे ही रखना है जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी बगड़े नहीं आए, ये गंदे ना हो जाए, तो उन लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी जो डिटेल्स होती थी उसमें दिया है कि आपको वाटर टच नहीं करवाना है। या परफ्यूम या स्प्रे जो होता है हम जब लगाते हैं तो उसके कांटेक्ट में नहीं लाना है, तो ये नहीं बिगड़ेंगे। और अच्छे से कोई प्लास्टिक रैप में या कॉटन्स जो आते हैं ना, जो कॉटन बॉल आते हैं उसमें आप रैप करके रखोगे ना, तो 2 साल 3 साल तक एज इट इज़ रहेंगे। क्योंकि मेरी सारी ज्वेलरी एज इट इज़ है, 3-3 साल हो गए हैं फिर भी, क्योंकि मैंने एक प्लास्टिक के बॉक्स में कॉटन के रूज में उसको लपेट के रखा है, तो उसकी शाइन बिल्कुल भी नहीं गई है, वो बिल्कुल भी डल नहीं हुए, ये गोल्डन हैवी डायमंड वाले ही है, तो एज इट इज़ है। तो आप भी ऐसा करोगे तो आपकी ज्वेलरी की जो लाइफ सेल है वो लंबी हो जाएगी। उसके बाद जो है वो ये है, ये भी एक पद्मावत स्टाइल का है, ये भी इतना प्यारा है, मतलब कौन सा, मतलब किसको ज़्यादा नंबर, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। इस तरह का है, इसके अंदर आप देखो तो मरून कलर का है इसका जो नीचे का बेस है वो, और ऊपर देखो आप ऐसे गोल्डन स्टोन कुंदन वर्क किया गया है, और इसका जो यहाँ पे है वो लाइंस दी गई है, ये लाइंस में भी डायमंड्स वगैरह है। मुझे ये बहुत पसंद आया है गाइस, ये इतना ऑसम लगता है पहनने के बाद, और सारे अंडर 500 है, मतलब कोई किसी की प्राइस हाई है, अदरवाइज सारे अफोर्डेबल है, तो मुझे बहुत पसंद आया है। इसके जो नेक के पीछे दिया गया है वो इस तरह का दिया गया है, वाइट कलर का, यहाँ पे वाइट पर्ल्स दिए गए, ये रेड बीड्स दिया है, ये गोल्डन थ्रेड दी गई है, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है, ये मुझे बहुत पसंद आया। मैं सारे ट्राई करके दिखाऊंगी। इसकी इयररिंग्स है वो इस तरह की है, मैच करती है और चौकर को इस टाइप की, ये आप देखो बहुत ही प्यारी लगती है पहनने के बाद। यहाँ पे देखो तो गोल्डन, क्लोजअप में दिखाती हूँ, गोल्डन वर्क दिया है और नीचे स्टोन है, बहुत ही प्यारा लगता है पहनने के बाद। देखो ये सारे जो है वो अकेले चौकर भी आप पहन सकते हो लहंगा साड़ीज़ पे, और अकेले इयररिंग्स भी कैरी कर सकते हो। इस टाइप के हैं ये, आई थिंक 400 अराउंड का ही है, बहुत ही अफोर्डेबल है, इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है गाइस, ये मस्ट बाई है। अगर आप बाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली बाई कर सकते हो। इसके बाद जो आता है वो भी मुझे बहुत पसंद है, मुझे सारे बहुत पसंद है एक्चुअली में, मैं कन्फ्यूज़ हूँ। इस तरह का है पूरा, ऐसा यहाँ पे ट्रायंगल शेप का दिया गया है और अंदर वर्क किया गया है कुंदन स्टोन वाला, दोनों साइड इस तरह आएगा। और ये बीच वाला जो है उसमें भी आप देखोगे तो ये पिंक कलर का है, रानी पिंक कलर का है, और अंदर गोल्डन कुंदन स्टोन वर्क किया गया है और वाइट पर्ल्स वाला है, बहुत ही अच्छा लगता है पहनने के बाद, बहुत ही हैवी लुक देता है और बहुत ही बढ़िया है। इसका भी ऐसे गोल्डन थ्रेड दी गई है और ऐसे लटकन लिए गए हैं, तो पहनने के बाद ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और हर किसी लहंगे के साथ जाएगा, बहुत ही रॉयल लुक देता है। अगर आप रजवाड़ी स्टाइल से रेडी होते हो या ब्राइडल हो या न्यू मैरिड हो तो आप ये सारे कैरी कर सकते हो। इसकी सारे की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, इसकी इयररिंग्स बहुत ही अच्छी है, आप देखो ये सारी है वो ड्रॉप इयररिंग्स है। अगर आप अकेली कैरी करोगे इयररिंग्स वो तो अभी अच्छी लगेगी, उस टाइप की है तो आपके दोनों में पैसे वसूल हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम नेकलेस बाय करते हैं तो नेकलेस अच्छा होता है तो इयररिंग्स इतनी नहीं पसंद आती, इयररिंग्स पसंद आती है तो नेकलेस इतना नहीं पसंद आता, लेकिन इसमें सारे चॉकर्स में क्या है कि चॉकर्स भी अच्छे हैं और उनके साथ जो इयररिंग्स दी है वो भी बहुत ही अच्छी है, और सारी जो है वो हाई क्वालिटी की है, पहनने के बाद बहुत ही अच्छी लगेगी। और इस तरह की जैसे पेंडल में दिया गया था, क्लोजअप में दिखाती हूँ, यहाँ पे कुंदन वर्क है स्टोन वाला, ऐसे लटकन वगैरह दिए गए हैं, मुझे ये बहुत पसंद आया है, मुझे सारे पसंद आए एक्चुअली में, कितनी बार बोला मैंने एक्चुअली में। उसके बाद जो है वो गाइस मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कितने का है, इतने कम प्राइस में है, मैं आपको दिखाती हूँ, ओनली एंड ओनली मुझे 150 अराउंड में ही ये पड़ा है, बहुत ही अफोर्डेबल है, इस टाइप का है। देखो ये मुझे बहुत पसंद आया है और बहुत ही अफोर्डेबल है, और ये मैंने सेल में बाय किया था तो इसकी प्राइस कम थी,
तो मैंने ले लिया, जैसे देखा वैसे। ये देख सकते हो आप कि यहाँ बीच में ये है जो कुंदन स्टोन वर्क दिया गया है, ऊपर नीचे बीट्स दिए गए हैं, और पहनने के बाद बहुत ही हैवी लुक देता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और वाइट कलर का है तो हर किसी के साथ पैरअप हो जाता है इजीली। इसके साथ इयररिंग्स दी गई है, वो भी सेम है, जैसे जैसा चौकर है वैसी ही इयररिंग दी गई है इस तरह की। इसकी इयररिंग भी मुझे बहुत पसंद आई है, आप अकेली इयररिंग्स भी कैरी कर सकते हो, उस टाइप की है और बहुत ही अच्छी लगती है पहनने के बाद। और बहुत ही लाइट वेट है, इतनी इतनी बड़ी है, ड्रॉप इयररिंग्स है लेकिन लाइट वेट है, बिल्कुल भी कान में हैवी नहीं लगेगा आपको। और इसके साथ मांग टीका भी मिला है मुझे गाइस 150 में। इस तरह का मैं पहन के दिखाऊंगी आपको, ये पूरा हैवी है, यहाँ पैंडल से लेके चेन तक का हैवी है, जो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही पसंद आया और मेरे पैसे वसूल हो गए क्योंकि मुझे इतने कम प्राइस में ये मिला है अमेज़ॉन से। और इसकी क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अमेजिंग है, मस्ट बाई है, आप डेफिनेटली बाई कर सकते हो। तो मेरी तरफ से यस है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो। आज के वीडियो में ये था, और अब मैं आपको ट्राई ऑन दिखा देती हूँ वन बाय वन पहन के, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। तो चलो हम जल्दी से ट्राई ऑन देख लेते हैं। तो गाइज आपने ट्राई ऑन देख लिया, जैसा मैंने बोला था मुझे तो सारे चॉकर्स पसंद आए हैं। आपको कौन सा वाला सबसे ज़्यादा पसंद आया है, और आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में गाइज, स्टिल एंड टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।